एंड दिस सेमिनार इज ऑल अबाउट पीआर एंड ऑफ कोर्स डिजिटल एंड सोशल मार्केटिंग, जो आजकल बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है. मैं पर्सनली कहता हूँ कि अब आपको और मुझे कहीं पर भी उठ के जाने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज इन आर हैंड. वो इन आर हैंड जो चीज़ है वो मोबाइल है. एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट वी हैव फ्यू ग्रेट स्पीकर्स एंड एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ जो आज इसी विषय पे थोड़ा सा हमसे बात करेंगी, चर्चा करेंगी. आप पीआर प्रोफेशनल्स हैं तो अलग अलग किस्म के क्लाइंट आपके पास आते होंगे, कभी प्योर कॉमर्शियल्स होते होंगे, कभी कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते होंगे, कभी हेल्थ एजुकेशन से जुड़े हुए चीज़ें होती होंगी. तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किस ढंग से चीज़ों को लेके जाएं. अगर आप बता पाते हैं लोगों को, विषय के बारे में समझा पाते हैं, तो ऐसे में अच्छा कवरेज मिलता है. अगर आप लोगों को बता पाते हैं कि सर इससे जुड़ी हुई कोई स्टोरी है जो एक गांव में है, बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी है, अभी तक कहीं कवर नहीं हुई है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप अपना रिपोर्टर भेजिए और स्पॉट पे भेजिए और बहुत अच्छी स्टोरी आएगी. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अखबार का भी इंटरेस्ट होता है, वो भी ढूंढते हैं कि कौन सी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है जिसे हम कवर कर सकते हैं. और कभी भी जोर नहीं देना चाहिए कि आप इसमें हमारे क्लाइंट के बारे में बहुत ज़्यादा लिखें, वो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, अगर वो चौथे पैरे में भी आएगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव स्टोरी अच्छे से छप रही है तो उसका काम हो जाएगा. इसी तरीके की तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो किसी कॉज के लिए काम करती हैं, कुछ महिलाओं के इशू पे काम करते हैं, कुछ पोलियो के इशू पे काम करते हैं, कोई किसी बीमारी पर काम हो रहा है, किसी और दूसरे सोशल कॉज पे काम हो रहा है, तो वो अखबारों के अपने इंटरेस्ट भी उसमें होते हैं क्योंकि उसमें एक सामाजिक मुद्दा छुपा होता है. पर हर यार मैं देखता हूँ कि कुछ ही लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से उसमें मीडिया हाउस को इन्वॉल्व कर पाते हैं. तो ये एक व्यक्ति की जो अपनी पर्सनल क्षमताएं होती हैं, उसकी जो एजुकेशन होती है कि उसने कम्युनिकेशन को या पब्लिक रिलेशन को कितने अच्छे से समझा है, उन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ पर मंच पर मेरे गुरु बैठे हैं, श्री रतन मणिलाल, एक बार उनके लिए तालियां बजाइए. और अगर शिष्य मानिए तो निश्चित रूप से सुधीर और विशाल दोनों ही मेरे स्टूडेंट रहे हैं, लाल साहब के भी स्टूडेंट रहे हैं. हम लोगों ने उन लोगों को एक समय में अपनी तरफ से जो कुछ भी हम लोगों का ज्ञान था उस ज्ञान का उनके साथ जो है शेयर किया. गर्व होता है क्योंकि जिसको आपने कभी पढ़ाया आज वो जिस मुकाम पर पहुँचा है उस चीज़ का गर्व होता है. विशाल जो शायद 2005 या 6 में जब बुरिया में आए थे मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने के लिए, अभी लाल साहब से हम लोग उन दिनों के बारे में बात कर रहे थे. और सुधीर ने तो उससे भी बहुत पहले किया था. तो बातचीत का बस केवल इतना ही था कि हम लोग लगे कहाँ से पढ़ाई या लोगों को पढ़ाना शुरू किया था और टेक्नोलॉजी किस तरह से इवॉल्व हुई है और कितना उसका विस्तार हुआ है. अभी हम लोग कुछ क्षणों में इसी के बारे में बात कर रहे थे. जब विशाल ने मुझसे कहा कि इस फोरम पे मुझको बोलना है एज ए टीचर, क्योंकि मैं सभी चीज़ों के बारे में जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सभी चीज़ों के बारे में जानता हूँ. आज का प्यार प्यार ज़्यादा है, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल. अगर आपका अपना मीडिया से रिलेशनशिप अच्छा है तो आपका प्यार अच्छा होगा. दैट वे आई वुड से दैट विशाल और इस केबल कम्युनिकेशन is one of the only organization we have seen growing from strength to strength in last 10 years. So a big clap to the Vishal and Cavalier Communication. But we have seen this boy in 2006 and his commitment. And then from 2010 onwards, he has grown into strength. He has seen the crisis, he has seen all kind of problems, but this man, इसने बहुत मेहनत करी है. और जितने भी क्लाइंट्स के नाम या कंपनीज के नाम गिनाए जा रहे थे, मुझे याद है बीच बीच में जब भी उनसे बात होती थी वो बताते रहे अब मेरा ये नया क्लाइंट बनाए, अब ये नया क्लाइंट बनाए. तो उसने बहुत मेहनत करी है. और अगर पीआर की फील्ड में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है तो इससे ज़्यादा कोई अच्छी केस स्टडी फॉर अ टीचर हमारे लिए और कोई नहीं हो सकता. अनफॉर्चुनेटली इस पूरे उत्तर प्रदेश में
मुझे कोई एस्टेब्लिश्ड पब्लिक रिलेशन कंपनी अदर देन केवल नहीं दिखाई पड़ती. इट्स अनफॉर्चुनेट पार्ट. सो ऑल द बेस्ट टू विशाल एंड हिज कंपनी. और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये और भी चार चांद लगाएगी. बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू. केवल टीम से हम जुड़े हुए हैं पिछले 8 साल से और जो उनके टीम के लोग हैं और वो हमें अच्छे से जानते हैं कि हम कितने शरीफ टाइप के आते हैं. हाउएवर आई एम ग्रेटफुल टू सर लाल सर. सबसे पहले जब मैं इस पहले मार्कॉम जो इन्होंने बताया आई एम नॉट ए मार्कॉम गाय आई एम ए कॉपकॉम गाय नाउ आई वाज अगेन मार्कॉम. तो वहाँ जब मैं ट्रांसफर हुआ तो सबसे पहले विशाल ने बोला सर आप ना लाल सर के पास जाइए वहीं से गुरु वही गुरु हैं इसके. सबने भी यही कहा तो थैंकफुली थैंक्स टू विशाल कि उन्होंने मुझे सही जगह भेजा. तो वहाँ से आई स्टार्टेड लर्निंग. फिर वहाँ से क्योंकि मैं एकदम नया था इस फील्ड में मुझे कुछ पता नहीं था. फिर धीरे धीरे मेरी एंट्री जब भी होती थी क्राइसिस के साथ ही होती है. जिस भी स्टेट गया मैं पहले क्राइसिस से का उसके बाद फिर काम किया. और क्राइसिस में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विशाल जैसा कोई मिला नहीं हमें. तो हर चीज ही डेंजरस लगती है. आपने कुछ भी लिख दिया हमारे लिए डेंजर हो गया. कुछ अच्छा लिख दिया तो बहुत अच्छी बात तालियां बज गई. लेकिन जहां भी आपने गलत लिखा वहां हम बच गए. मैं कह रहा हूं कि ऑनलाइन होना बहुत अच्छा है. फास्टर हो जाता है तुरंत मालूम हो जाता है सबको सब चीज ठीक है. बट एज ए मीडिया रिस्पॉन्सिबल पीपल यू शुड नो कि एक्चुअली जो हम लिख रहे हैं वो सही है गलत है और उसमें तथ्य है कि नहीं. और सीखना कोई बड़ी बात बुरी बात नहीं है. किसी भी एज में आप सीख सकते हैं किसी एज में आप समझ सकते हैं. कोई जरूरी नहीं कि आपको सब पता हो कोई जरूरी नहीं हमें सब पता हो. एटलीस्ट उस डायरेक्टली उस आदमी से बात करके समझ लीजिए कि सच है कि नहीं. अगर सच है तो ठीक है लिखिए कोई इशू नहीं है और सच नहीं है तो उसको समझिए और उसको उस हिसाब से लिखिए क्योंकि दुनिया आपको पढ़ रही है दुनिया आपको जानती है दुनिया आपकी बात को मान सकती है. तो प्लीज डोंट राइट सच थिंग्स विच आर डेंजरस फॉर अदर्स ऑल्सो. तो दिस इज वन. और वो दिस इज अ रिस्क. फास्टर तो होता ही ऑनलाइन फास्टर हो गया एवरीथिंग इज फास्टर आप कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाता है. बट इट इज वेरी डेंजरस कि राइट आपने कुछ भी लिख दिया बिकॉज यू हैव कलम इन योर हैंड्स. सो दिस इज वन ऑफ द इश्यूज व्हिच आई ऑलवेज लुक आफ्टर. कि यहाँ जो बैठे हैं जितने भी होंगे आई एम श्योर सब इंटेलिजेंट लोग होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल माई हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू विशाल. ही हैज बीन अ ब्राइट स्टूडेंट अ वेरी हार्ड वर्कर एंड अ वेरी सिंसियर पर्सुअर ऑफ हिज ड्रीम्स एंड हिज गोल्स. वॉट एवर ही हैज अचीव टूडे is not only a part of a result of his own hard work but his attitude, his approach to work, his relationship with people and of course his relationship with his work. Some of fake news or kuch mischief ka bhi aadhar social media ko banaya ja raha hai tab yahi PR agencies aur yahi media persons un social media platforms ko kis tarah se कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो फेक मीडिया का एक बहुत बड़ा मेनेस आ गया है सामने उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकें जिससे मीडिया के पास कम से कम वो गलत खबरें ना पहुँचें जो कि सोशल मीडिया के थ्रू पहुँचाई जाती हैं. तो मुझे लगता है कि पीआर एजेंसीज़ के सामने एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की इमेज और रेपुटेशन को मैनेज करना तो एक चीज़ है ही बल्कि सोशल मीडिया के थ्रू जो मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज़ और इस तरह के तमाम सारे जो कि आप कह सकते हैं कि अनप्लेजेंट सिचुएशंस जो क्रिएट होती हैं उसको कंट्रोल करने में भी आई एम श्योर जो पीआर एजेंसीज और पीआर प्रोफेशनल्स हैं उनके सामने एक नया चैलेंज है. क्योंकि अब 24 घंटे के बाद अखबार छपेगा इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई. हर मिनट पे और हर मोमेंट पे चीज़ों को बदल के और चीज़ों को करेक्ट डायरेक्शन में ले जाके और एक सही तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड टू विशाल अनदर 10 20 30 इयर्स टू योर सक्सेस. ऑल द बेस्ट. सो नाउ वी स्टार्ट विद द क्यू एंड ए राउंड. क्वेश्चन एंड आंसर राउंड शुरू करते हैं. अगर आपके पास कोई सवाल हो आप हमारे इन चार एमिनेंट स्पीकर से पूछें. आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी वी हैव. सर मोस्टली ये देखा जाता है कि जो पी आर एक्टिविटीज जैसे कि आप डिस्कस कर रहे हैं कि वह मार्केटिंग गिमिक्स भी इंक्लूड रहती है उसमें. तो
क्लियर कट फ्रंट पे लाने के लिए जो प्रेस इनवाइट जिसको कहते हैं, तो वो क्या उसमें मेन चीजें हाईलाइट करनी चाहिए कि ये जो गिमिक्स का खेल है वो मिनिमाइज हो सके और ट्रूथ बाहर क्लियरली सामने आए। अब इसमें जो पीआर प्रोफेशनल है उसका रोल इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि वो कितने अच्छे से बीट रिपोर्टर को या एडिटर को कम्युनिकेट कर पाता है उस सब्जेक्ट के बारे में। मान लीजिए मुझे किसी कंपनी से कुछ शिकायत है और मैं कॉल सेंटर पे फोन करके कोई बात कहना चाहता हूँ और वो नहीं सुनी जा रही है, उसका सलूशन नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर मैं कंपनी को ट्वीट कर देता हूँ कि मुझे ये चीज़ें लेकर मुझे फेस करना पड़ा है, तो कॉरपोरेट कितना सीरियसली उसको लेता है? क्या तुरंत एक्शन लेना उनकी मजबूरी हो जाती है सोशली लोगों को दिखाने के लिए, कस्टमर्स को बताने के लिए? मैं उस बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कह सकते कि आप कॉल सेंटर फोन करते हो तो कोई रिवर्ट नहीं हो रहा है, हो सकता है उनके मतलब सिस्टम होता है कैसे काम करते हैं क्या नहीं करते, बट ट्विटर डेफिनेटली ऐसी चीज होती है, नो डाउट इस पे, और बहुत सारे लोग वेरी सीरियस हैं ट्विटर पे, कि ट्विटर पे हमने डाला नहीं कि वो एक्शन तुरंत जाएगा। हम सोशल मीडिया पे क्यों रहे? क्योंकि अगर कोई भी आदमी होगा वो लिखेगा तो यानी उसको विचारधारा, हम कहते हैं कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बट जैसे ही आपने कोई लिखा तो जो आपके विचारों के अगेंस्ट है वो आकर के आपको ट्रोल करने लगते हैं, तो कैसे यंग आशुतोष जैसे आम आदमी पार्टी में जो थे वो जैसे ही करते हैं वैसे ही उनको कालू कौआ कुत्ता पता नहीं क्या क्या लाइन से आप देखिए उसमें वैसे ही ट्रोलर्स आने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है ना, लोग इम्यून हो जाते हैं और उन ट्रोलर्स का कोई असर नहीं रहता है। दूसरा ट्विटर और फेसबुक ये लोग भी अब आइडेंटिटी पे बहुत काम कर रहे हैं, हो सकता है थोड़े दिन बाद आधार से जुड़ जाए या कुछ इस तरह की चीज हो, सबमिशन निकलेगा और ये कंपनी यही लोग निकालेंगे जिनके ये जो जो मंच जिन्होंने दिया है उनको भी, उनकी भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इस तरह की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। गूगल ने अभी फेक न्यूज के ऊपर बहुत अच्छा काम करना शुरू किया है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर वो कर रहे हैं, बहुत जल्दी इन सब चीजों का भी इलाज होगा। फीमेल्स के लिए मतलब मेल तो फिर भी एक बार एक्सेप्ट कर ले, बट फीमेल्स के लिए अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करना मतलब ये सोसाइटी के लिए थ्रेट है। उसके लिए वही है ना, एक तो आप उसको FIR होती है, अभी जैसे कई लोगों अभी किसी पे भी स्मृति ईरानी पे हुआ है, किस पे हुआ, अभी तुरंत FIR हुई। FIR कराना तरीका या तो फाइट करिए, लड़ाई लड़िए उसके लिए, यही तरीका है, बाकी नहीं तो फिर कंधे से कंधा मिलाइए, आदमी भी गाली खा रहा है और आप भी खाइए। कम्युनिकेशन कोर्स में अब एक जरूरत आ गई है कि फैक्ट चेक और वेरिफिकेशन पे हमें कुछ सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने चाहिए या आने वाले सेशंस में, क्योंकि स्टूडेंट लेवल पे अगर ट्रेनिंग हो जाएगी उनकी, उनको वेरिफिकेशन टूल से हम अवेयर करा देंगे तो बेटर रहेगा, आपको क्या लगता है? यूनिवर्सिटी को तय करना है कि इसको किस जगह पर लेना, लेकिन न्यू मीडिया ये एक करिकुलम का पार्ट है और उस न्यू मीडिया में डिजिटल सोशल ये सब बताया जा रहा है। और जैसा कि मेरी अभी कार्यक्रम के शुरू होने में ही आपसे बात हो रही थी कि हम लोग कुछ इस तरीके के वर्कशॉप्स बच्चों के लिए रेगुलरली ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर कि इन चीज़ों के बारे में बताया जाए, एंड वन ऑफ द आर्ट विच यू हैव लर्न दैट वी हैव शेयर्ड एंड वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग सच वर्कशॉप्स विद आवर स्टूडेंट्स। इंफॉर्मेशन का इतना ज़्यादा फ्लो है, मतलब ब्लास्ट हो रही है इंफॉर्मेशन। 15 मिनट में पिछले मैंने दो इन्फॉर्मेशन अपने रिपोर्टर्स के ग्रुप में शेयर किए। पहली इन्फॉर्मेशन ये थी कि एक वीडियो था कि रायबरेली की एक लड़की है, कह रही है कि मेरे भाई का मर्डर हुआ और हम दोनों बहनें जब कोशिश करने लगे उसको FIR करने की तो मेरी छोटी बहन का रेप हुआ और वो लोग BJP के बड़े नेता हैं और बड़ा सनसनीखेज था। मैंने तुरंत वीडियो डाला, दो मिनट में ही रिपोर्टर का जवाब है, सर 1918 का है और एक साल पहले का है, और आज ही लोगों ने उसको इस तरह से ट्विटर पे चलाना शुरू किया। फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन एक आई कि स्मृति ईरानी ने जो पर्चा भरा है उसमें इस बार उन्होंने 12th का दिखाया है जबकि पिछली बार उन्होंने ग्रेजुएशन दिखाया था। मैंने वो डाला, तुरंत रिपोर्टर का आया, सर कैसी बात करते हैं, अभी तो उसने पर्चा वहाँ पे वो फेस शुरू ही नहीं हुआ है। अब सोचिए मैं बैठा हूँ, मेरे भी दिमाग में ये बात नहीं आई कि अभी तो नामांकन हो ही नहीं रहा, लेकिन फेक इन्फॉर्मेशन इतनी चल रही है, तो ये ना हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। वो तो मैं क्रॉस चेक करता हूँ, कभी इसको आगे नहीं बढ़ाता हूँ, अपने रिपोर्टर के ग्रुप्स में इन्फॉर्मेशन को डालता हूँ, हमारे पास इतना माध्यम है कि हम उसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज तो लोग इसी को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, खासतौर से 60+ के जितने लोग हैं, काफी लोग बड़ी संख्या में 80% जो 60+ के लोग हैं वो धड़ाधड़ चीजों को पढ़ा रहे हैं और फोन भी करते हैं, आज एक व्हाट्सएप भेजा है जरा पढ़ना, वो इसी टाइप की चीजें होती हैं सारी। तो ये एक रिसर्च भी आई है, अभी स्टडी आई हुई है कि जो 60+ के लोग हैं वो किस तरह से र्यूमर्स और फेक न्यूज़ को बढ़ा रहे हैं। तो हमें सबको अपने घर में भी लोगों को बताने की ज़रूरत है, ट्विटर की तरफ से ऐड आ रहा है, फेसबुक की तरफ से भी ऐड आ रहे हैं, देख ही रहे हैं आप,
बहुत झूठ फैलाया जा रहा है तो झूठ से बचना है। ये जो स्केयरक्रो होता था उसका हमने ऐसा हटा दिया है, अब वो केयरक्रो हो गया है, तो भगाता नहीं बुलाता है। तो मेरा एक सजेशन या रिक्वेस्ट रतन सर से और जौहरी सर से है कि हमें कोई ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करना चाहिए जो मीडिया कम्युनिकेशन के बच्चे हैं वो सोशल इनिशिएटिव से कनेक्ट हो, क्योंकि उसके बहाने वो चीज़ों से जानेंगे और मेरे ख्याल से वो उनके जब आने वाले टाइम में किसी मैगजीन में एडिटर बनेंगे, वो किसी मतलब कि कहीं जर्नलिस्ट बनेंगे, किसी पीआर एजेंसी चलाएंगे, तो शायद और सेंसिटिव तरीके से उस चीज़ से कनेक्ट हो पाएंगे। तो सर इसके लिए कोई प्रोग्राम है कि जो सोशल इनिशिएटिव से कनेक्ट करने के लिए बच्चों को? एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन में तो इस तरीके के रेगुलर इनिशिएटिव हैं, जैसे अभी हम वाटर एड्स के साथ जुड़े हैं जो लखनऊ में पानी को लेकर के एक इतना बड़ा कैंपेन शुरू हुआ है, उस सोशल इनिशिएटिव में हम लोग हैं। हम लोग यूपी पुलिस 100 के साथ सोशल कैंपेन में हम लोगों ने काम किया है। तो अगर ऐसा कोई भी अच्छा इनिशिएटिव होगा, आवर इंस्टीट्यूट विल बी मोर देन विलिंग टू बी पार्ट ऑफ दैट। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं बोलूं क्या, मुझे ही समझ में नहीं आता है। बस थैंक यू, आप सबने बनाया।